इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इसे सजाने संवारने का काम किया यहाँ के लोगों ने। नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को मुकाम तक पहुँचाया तो प्रधानमंत्री आवास योजना से झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले गरीब लोगों के सपनों को छत मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर शहर के अरावली परिसर में जहां 13 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं, साल 2017 से पहले यहां पहाड़ियां थी और उन पहाड़ियों पर करीब 5000 आबादी झुग्गियों में गुजर बसर करती थी। तंगहाल जिंदगी, बिजली पानी की सुविधाओं से दूर, गज और फुट में सिमटती झुग्गियों में करीब 30 साल से धूप छांव खेल रही उम्मीदें दिन दिवस दिहाड़ी मजदूरी के बल पर आगे बढ़ रहे थे। तब साल 2017 का आया जब प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां झुग्गी वहां मकान देने का फैसला आया और यहां की आबादी को दूसरी जगह बसाकर यहां फ्लैट निर्माण का काम शुरू हुआ। साल 2022 में वह तारीख भी सामने आई जब यहां बसे 832 परिवारों को उनके मकान की चाबी थमा दी गई। वापस जब लोग आते हैं और अपने घरों में शिफ्ट होते हैं या नए घर में जब शिफ्ट होते हैं तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो जितने समय भी एक साल दो साल दूर रहना पड़ता है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ समय तो ट्रांजिशन का कष्टकर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को देश भर में उनके सपनों का घर देने का काम किया। आधुनिक और सुसज्जित तरीके से बने 35 मीटर के फ्लैट के लिए लाभार्थियों से महज 20,000 रुपए का पंजीयन शुल्क लिया गया और बैंक से 1,80,000 रुपए लोन के रूप में उपलब्ध कराए गए और सपनों का आशियाना खड़ा कर दिया गया। मुकेश सिंह की उम्र 63 साल है, दिव्यांग है। मुकेश के चेहरे की खुशी सब बयां करती है। पत्नी पुष्पा से मिलिए। किसी तरह सिलाई बुनाई कर परिवार का भरण पोषण करती थी। विश्वास नहीं हो रहा है कि घर की मालकिन बन गई है। सोचा तो कभी नहीं था, बाकी एक था कि सब लोगों को देख देख के हमको भी लगता था कि कभी हमारा ऐसा होगा, बाकी वो सपना अब हमारा सही हो गया। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने जो ये योजना शुरू करी है गरीबों के लिए, आज पूरे हिंदुस्तान में सक्सेस है। देवास जिले के राधेश्याम भरभूति 20 साल पहले सब्जी बेचने इंदौर आए। इंदौर शहर के स्लम में एक पीढ़ी जवान हो गई, दोनों बेटों की शादी भी हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से राधेश्याम को 3 फ्लैट मिले हैं। विश्वास नहीं होता कि सपना हकीकत में बदल गया है। मेरे दो बेटे हैं, पहले बड़ा है लखन, छोटा विनोद है। दोनों को ही मिला है, हम दो बेटे हैं उनको और हमको भी मिला है, तीनों बाप बेटे के मिले हमको। प्रधानमंत्री आवास योजना से इंदौर शहर के 70,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। लाभार्थियों के लिए 3 श्रेणियों में फ्लैट निर्माण कर उन्हें उनके घर की चाबी सौंपी गई। न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और देश के कई अन्य शहर, उन्होंने इसका बहुत बड़ी संख्या में लाभ लिया है। इंदौर में लगभग 70,000 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है और कुछ एक हिस्सा आप देखते हैं जहां पे लोग रहते थे, स्लम में रहते थे, उसको हटा करके उनकी जगह उन्हीं लोगों को वहाँ पर अपार्टमेंट्स में घर दिए गए। खुशियाँ ऐसी है मानो बुरा दौर बीत गया लगता है। सोचा भी नहीं था कि एक अदद छत का सपना कभी साकार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से ये सपना भी सच दिख रहा है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ धीरज कुमार, DD News इंदौर।